हालेलुया। खुदावंद यीशु, तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम की महिमा करो, पूरे दिल से उसके नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। पिता, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरी महान दया के लिए, पिता, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं तारीफ करता हूँ उस लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए तूने बहाया। पिता परमेश्वर, उस मार्ग के लिए, उस कोड़ों के लिए, पिता परमेश्वर, जो तूने हमारी चंगाई के लिए खाए। पिता परमेश्वर, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं तुझे अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूँ। पिता, सब जन अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो, पिता परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करता हूँ उस पवित्र लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, तेरी उस सलीब के लिए जो तूने मेरे लिए उठाई, जो मेरी सजा थी परमेश्वर, वो तूने अपने ऊपर ली। मेरी बीमारियों के लिए तूने मार खाई है परमेश्वर, तेरे उस महान प्रेम के लिए। बोलो, तेरे उस महान प्रेम के लिए मैं तेरी तारीफ करता हूँ। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। तू ही मेरा परमेश्वर है, तुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं। पिता, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। खुदावन, तेरे वचन में लिखा, जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, परमेश्वर उसे अपना बेटा और अपनी बेटी बनाएगा। बोलो परमेश्वर, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ग्रहण करो यीशु मसीह को। वो धर्म को बदलने के लिए नहीं आया है, वो जात को बदलने के लिए नहीं आया है, वो आपको बदलने के लिए आया है, वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, वो आपको अपना बनाने के लिए आया है, वो आपको चंगियाई देने के लिए आया है, आपके हालातों को बदलने के लिए आया है। यीशु के नाम में उसे ग्रहण करो। बोलो, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएंगे और आपकी जिंदगी को बदलेंगे यीशु के नाम में, और आपकी जिंदगी से अंधियारे को और उजाले को अलग करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में शैतान ने अंधेरा कर रखा है, तो परमेश्वर आज ही आपकी जिंदगी में उजाला करेगा, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को कहो, परमेश्वर, मैं आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज की पवित्र हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज सुबह से लेकर अब तक तूने मुझे संभाला है। पिता परमेश्वर,
मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन, नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए और नए जीवन के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन, तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। तू पवित्र परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर, तेरे जैसा और कोई नहीं पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर सभी जन उसके नाम की तारीफ करो, उसका धन्यवाद करो। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, उसके नाम की तारीफ करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हालेलुया, तारीफ करो उसके नाम की तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं आज के दिन के लिए तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ पिता परमेश्वर। बोलो हालेलुया, तारीफ करो सब जन। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को बदलना जानता है और वो जल्द ही बदल देगा। अगर आपका पति शराब पीता है, अगर आपके बच्चे नशा करते हैं, तो कहिए परमेश्वर से, पिता तूने अपने वचन में कहा तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो पिता मैं तेरे इसी वचन से प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ कि खुदावंद तू मेरे पति को बचा ले, तू मेरे बच्चों को बचा ले पिता परमेश्वर। वो इन गंदी आदतों से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। याद रखिए, आपको वचन के साथ प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहा है, धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। जो भी आपकी गरीबी, लाचारी, बीमारी और परेशानी है, आज रख दीजिए परमेश्वर के सामने और कहिए, परमेश्वर तू मेरे हालातों को जानता है, तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी मेरे हालात हैं वो मेरी ही गलतियों के कारण है पिता परमेश्वर। मैं आज आपसे पिता उन सारी गलतियों की माफी मांगता हूँ पिता परमेश्वर। तू मेरे हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को तू ही बदल सकता है पिता परमेश्वर। मुझे माफ कर दे पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर से माफी मांगिए। अगर आज आप पाप में गिरे हुए हैं, अगर आप नशे में गिरे हुए हैं, तो कहिए परमेश्वर से, पिता मुझे माफ कर, मुझे छुड़ा इन गंदी आदतों से पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला बन सकूं पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठा सकूं पिता परमेश्वर। मुझ पर अपना अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं तेरे अनुग्रह के अलावा कुछ नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। मैं तुझसे जुदा होकर पिता परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। मुझे अपना अनुग्रह दे, अपनी सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचनों पर चल सकूं पिता परमेश्वर। मैं तेरे साथ समय बतीत करने वाला बन सकूं पिता परमेश्वर। अपने मुंह को खोलते हुए बोलिए सभी जन, पिता परमेश्वर मुझे माफ कर पिता परमेश्वर।
तूने मुझे आज तक संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तू आज ही मेरी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हुए सभी जन करो प्रार्थना। आपके बंद रास्ते खुल जाएं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपके बंद रास्ते खुल जाएं, आपके आशीष के रास्ते खुल जाएं, आपके फौरन के रास्ते खुल जाएं, आपके बिजनेस के रास्ते खुल जाएं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। सेवकाई के रास्ते खुल जाएं, नशे का आत्मा आपको छोड़कर चला जाए, गंदगी का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। व्यभिचार का आत्मा आपको छोड़कर चला जाए, गालियों वाला आत्मा आपको छोड़कर चला जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। गुस्से का आत्मा आपकी जिंदगी से चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जहाँ जहाँ आपकी जिंदगी में अंधेरा है प्रभु यीशु के नाम में वहाँ वहाँ उजियाला हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का उजाला हो आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। जैसे परमेश्वर ने बोला उजाला हो और उजियाला हो गया, वैसे ही मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ। आपकी जिंदगी को अंधकार छोड़े, आपकी जिंदगी को शैतान छोड़े और आपकी जिंदगी में उजाला हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपके बिजनेस में उजियाला हो, आपकी सेहत में उजियाला हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपके बच्चों में उजियाला हो, आपके पति में उजियाला हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। पिता, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर जल्द ही देगा। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम